देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,67,80,00,000 से अधिक हो गया है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 799 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर लक्ष्य अनुरूप अधिप्राप्ति के काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मुजफ्फरपुर में शिक्षाविद डॉक्टर महेश राय की प्रतिमा का अनावरण किया। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित पीरी बाजार थाना क्षेत्र के घोघी कोड़ाही में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि विश्व कैंसर दिवस पर सरकारी अस्पतालों में शिविर के माध्यम से लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाएगा। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिन हुए अपहरण और हत्या के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने से अब शहर का गंदा पानी गंगा में नहीं हो रहा है प्रवाहित। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा में एसबीआई के सीएसपी संचालक से अपराधियों ने गोलीबारी कर 3,00,000 से अधिक रुपए लूट लिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए सहायता योजना जारी रखते हुए अगले 5 वर्षों में 1,575 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है।